इस वक्त जरा व्यू है कमाल ना व्यू है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना तुसा सारे वालों सो कासम कदीर तुसानी खिदमत विच हाजिर है। इस वक्त असा मौजूद हाँ मीरपुर मंगला डैम ने अंदर। इत्थे एक बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट बनया है। डैम च पानी जड़ा है ना इस दफ़ा काफ़ी लेट आया, लेकिन इस वक्त पानी फुल तो नहीं है, लेकिन जिस जगह आया इसने बाकी जड़ा खुश्की ना एरिया ना वो बहुत ही अच्छा एक पिकनिक पॉइंट बने। बहुत सारिया फैमिलीज जड़ा ना इत्थे फिरने ते पिकनिक करने वास्ते। जुम्मे वाला दिन जड़ा ना मीरपुर विच कारोबारी लिहाज नाल बंद होना, सो लोग जड़ा ना जुम्मे या संडे की जड़ा ना वो आउटिंग करने बाहर इधर मंगला डैम की तरफ या मीरपुर जड़िया पार्क्स वगैरह उन्होंने रुख करने। तो असा भी जड़ा ना अज जुम्मे की छुट्टी सी, सो असा भी आया कि अज असा भी जड़ा ना मंगला डैम ना रुख करा और तक कि आवाम जड़ी मीरपुर है क्या कुछ करी रही, क्या क्या कुछ इंजॉयमेंट करी रही। सब तो पहला तो तुसा कि व्यू चेक करवा सन कि इस वक्त जड़ा व्यू है कमाल ना व्यू है। मैं इस टाइम पानी तो बाहर खलोते हैं, लेकिन सामने जड़ा ना सूरज की रोशनी जी थोड़ी जी मदम होगी क्योंकि हम टाइम शाम ना थोड़ा जा करीब है। तो इस मंजर इतना प्यारा है ना कि जिस टाइम पानी विच सुना अक्स पैना लगे ना नाल पानी दी छलां, यकीन करो कि एक बहुत ही दिलचस्प जड़ा है ना इस मंजर है। हो सुनाओ सेहत तबीयत ठीक है, केड़े इलाके दे हो तुसी जी? तुसी भी मियां वाली? अपने अपने मोटरसाइकिल ही ना सारे साइड पर लाए हुए। वाह जी वाह, सूरज आस्ता आस्ता गरूब होना पिया और मंजर जड़ा ना शाम ना इंतहाई दिलचस्प होना लगे आ। इस पास कैमरा मारी पाई और बैठे हुए इंजॉयमेंट फुल चिल करी दे। इस पास स्विमिंग नी ट्रेनिंग हुई रही, उधर उस साइड मोटरसाइकिल में अपना खिलाई के आया। सो तुम तकी सकने हो जी आवाम ना रश। आउटिंग करने ना एक बड़ा फायदा ये होना कि बंदे की किसी किस्म ने अगर कोई टेंशन है या कोई बंदा डिप्रेस है ना, तो जिस टाइम वो बाहर निकलना ना पुरसकून जगह पर अगे पिछे बंदे तकना और वो जड़ा ना अपनी टेंशन अपना डिप्रेशन डिप्रेस सारा कोई भूली जाना। शिकार जड़ा करने ले थे ठेकेदार रे वो भी अपना जाल जड़ा ना सीधा करी दे, राती जाल लासन गए सुबह जड़ा ना ताज़ी मच्छी कड़ी गए फिर डिपू पर जासी फिर उतू अगू असने मीरपुर ने लोग या बाहर दूसरे शहरों में भी जड़ा ना जानी। मंगला डैम ने अंदर ना भी तुसा की विजिट करवाया है कि उत्थे कितनी कवाम है इंजॉय करी रहे, ज़्यादातर यंग लड़के फैमिलीज वगैरह भी हैं। इस वक्त असा इतने मंगला डैम ने किनारे जी आसवा बुटो पार्क है ईद ने दौरान तो इस पार्क में इतना का रश होना कि समझ कि नो भी सुई रखने की भी गुंजाइश नहीं होनी, लेकिन ईद तो बाद पता नहीं आवाम की क्या होना कि वो इन्हों पार्क ना रुख बिल्कुल ही जड़ा ना छोड़ी देनी है। अंदर चंद के लोग है क्योंकि पार्क भी बहुत बड़ी है तो और जड़े कोई थोड़े जे बंदे वो भी दूर दूर बैठे हैं, जिसकी वजह तो यही महसूस होना है कि मंगला पार्क जड़ी है जड़ी आसवा बुटो पार्क है वो बिल्कुल इस टाइम खामोश क्वाइट खाली खाली लगनी है। पार्क ने अपने हिस्से तहत बिल्कुल खामोशी है, कोई बंदा नहीं, एक दो कोई दोस्त अखबाब नज़र आए जुलने उन्होंने को भी टिक टाक बनाई रहे चेक कर रहे हैं कि किस तरह ने कोई अच्छी टिक टाक बनाई रहे या कि एवं जनाब गाने पर डांस करी रहे।
पार्क के अंदर असा कि शहजादे लभे दोस्त फन करी रहे सन। इन्होंने वीडियो भी तुम तकी हो सी कि स्केटिंग की है इन्हें दिल तक कौन नहीं सी इन्होंने, लेकिन दूसरे दोस्त जरा जबरदस्ती स्केटिंग कराई है। तो इन्होंने को गल पूछा भी पार्क ने अंदर रह जिस तरह ईदी पर रश होना उस तरह अज का रश नहीं वजह गया? असल गर्मी है बहुत ज़्यादा इधर, मौसम चेंज हो रहा है अभी, और ईद के दिनों में ये सारे फ्री होते हैं तो इसलिए, और शुगर मेला होता है तो इसलिए सारे पार्क में आ जाते हैं। इन दिनों लोग काम पे होते हैं, फ्री भी नहीं होते, जुम्मे जुम्मे बहुत बहुत कम टाइम मिलता है। ईद के दिन जो होते हैं इन जैसे दोस्त मिले हों प्यारे अच्छे तो लाइफ का मज़ा ही कुछ और होता है। ये स्पेशली नूरी उस्मान शारी शदेब नूरी नूरी भाई की जो है ना वो टिकटॉक बहुत मशहूर है। शुक्रिया जी नाना इन्हें असा कि अपना कीमती टाइम दिता। हूँ झूलने आप बुनी साइड भी चेक कर सा भाई खाली ना झूले चलाए नहीं, अभी कोई बंदा भी बैठे है। पार्क ने अंदर निचली साइड पर रश है लेकिन ना होने ने बराबर थोड़ा बहुत ही है। चांदिक फैमिलीज जड़िया ने वो आई हैं, उस तरह ना रश नहीं है जिस तरह ईद पर होना। जिस तरह के भाई ने दसिया कि ईद पर तो हर बंदा फ्री होना, फिर उस ना दिल होना कि पार्क वगैरह बिच जुलिए आउटिंग वगैरह करिए। उस तो अलावा जरा ना फिर टाइम कटना फैमिली बिच थोड़ा जहा मुश्किल हो जाना। पार्क ने अंदर एक माजूर भाई ये भी बैठे होने, जो भी तुम पार्क में आओ इन्हों को लाजमी शॉपिंग ब्लॉग सामने तकिया हो सी, और है इतना कराज सी ईद के दौरान। मैं भी ईद तो बाद अज ही आया और इतों निकलना जरा ना मुश्किल होना सी कि इतना कराज होना सी, लेकिन अज इतने बिल्कुल सुनसान होया हर चीज़। कितने पार्क जे भाइयर लभे ते आने जी के इंटरव्यू ही हुई है कि टिकटा नहीं दे रहे। क्यों इतनी महंगी कर गए? इमरान खान तो ला गया, हूं तो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ना दोहरा ताई तो बंदा बंदा जोर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? नाम क्या आपका? पार्क में आए हो, झूले में बैठे हो? नहीं, इंजॉय किया है? अच्छा, रोज हर जुम्मे को आते हो? अच्छा, और कौन से क्लास में पढ़ते हो? थ्री ग्रेड। कौन से स्कूल में? गाड़ी में स्कूल में। पढ़ाई ठीक है वहाँ पर? अज ने ब्लॉग ना अख्ताम इतें ही कर सा तुसा कि मंगला डैम ने अंदर एक बोटिंग क्लब कह लो या एक पिकनिक पॉइंट कह लो वो भी दस्या है, फिर पार्क ने अंदर भी दस्या है कि आवाम ना रश है या नहीं है। ईद ने दौरान रश ज़्यादा होना लेकिन ईद तो बाद फिर आम दिनों में उतना रश नहीं होना। उम्मीद कर सा कि तुसा कि मेरी आज नहीं ये वीडियो पसंद आई हो सी, वीडियो की लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल व्लॉग बाय कासिम कदीर की लाजमी सब्सक्राइब करे। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह नेगेबान।